क्वेश्चन है, एफ एक फंक्शन है ए से बी, जी एक फंक्शन है बी से सी, और आपको बताया एफ तथा जी जो है वो कैसे हैं, एक एक को इंग्लिश में कहते हैं हम वन वन या ठीक है, आगे फलन भी लिख दो ताकि वो पता चले कि फलन के बारे में, फलन मतलब फंक्शन, ठीक है। ये दोनों ऐसे हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करेंगे या प्रूव दैट गॉफ ठीक है कहां से कहां ए से सी, ये हमें कोई फलन अगर एक एक ही है तो हम जानते हैं कि एफ एक्स बराबर एफ वाई हम लेकर चलेंगे और एक्स बराबर वाई आ जाएगा, या एफ ए बराबर एफ बी लेकर चलेंगे और ए बराबर बी। अब क्योंकि इसने बता दिया है कि एफ एक कैसा फलन है, जब इसने हमें बता दिया तो इसका मतलब एफ ए बराबर कितना होना चाहिए, अगर हम लेके चले तो हमारे पास तुरंत आ जाएगा ए बराबर बी, ठीक है। अब क्योंकि जी भी ए क्या क्या की फलन है ये भी बता रखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जी ए बराबर जी बी अगर लेके चले कितना आ जाना चाहिए, दोनों ही जो एक की फलन है उसकी परिभाषा को फॉलो। अब हमें सिद्ध करना है कि गॉफ है कहते क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए और बी, ए को ए हमेशा ए को बिलोंग करेगा, ये भी आवश्यक नहीं है, ये एक सांकेतिक रूप से हम प्रयोग करते हैं ए बी एक्स वाई, जब तक हम ना कहें तब तक हम मान लेंगे कि ये ए और सी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें सिद्ध करना है कि गॉफ एक एक की फलन है, तो पहले हम निकालेंगे गॉफ ऑफ ए इक्वल टू लेके चल रहे हैं हम गॉफ ऑफ बी, और अगर ए बराबर बी आ गया तो सिद्ध हो जाएगा कि गॉफ भी एक की, यही तो परिभाषा है एक की। अच्छा गॉफ का मतलब होता क्या है, जी ऑफ एक्स यानी ए लिखा है इक्वल टू जी ऑफ यानी अब एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, यहाँ एफ ए कर रहा है और यहाँ एफ बी कर रहा है। अब क्योंकि जी एक की फलन है तो जी क्योंकि एक की फलन है इसलिए एफ जो भी लिखा है और जी जो भी लिखा है और जी जो भी लिखा है दोनों आपस में कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ से इम्प्लाई करेंगे हम कि एफ ए बराबर एफ बी का नाम दे देंगे क्योंकि जी इज इतना इशारा काफी, इशारे तो समझने पड़ेंगे। अब क्योंकि एफ बी एक वन वन फंक्शन तो एफ ए बराबर एफ बी अगर है और एफ एक वन वन फंक्शन है तो एक इसके बराबर रहना चाहिए, क्योंकि एफ इज तो हमने देखा हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे गॉफ ऑफ ए बराबर गॉफ ऑफ बी और हमने प्राप्त कर लिया ए बराबर बी, तो यहां से क्या पता लगा गॉफ ए कैसा फलन है, ये ही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये बोर्ड में आ चुका है तीन बार और हाल फिलहाल में आया है 19-20। आगे बढ़ते हैं, आज केवल बोर्ड वाले क्वेश्चन पे बात हुई, एक और ले लेते हैं गॉफ और फॉक का, फिर इसका चैप्टर क्लोज करें। एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स और जी एक्स बराबर लॉग ई टू द पावर एक्स और बेस बेसिक, अगर बेस की है और लॉग के आगे कुछ लिखा है तो नीचे आ जाएगा, ये तो रूल होता लॉग में बड़ा रखा है नहीं लॉग, तो ये एक्स नीचे आएगा क्या बचेगा लॉग बेस की और दोनों ये समान होगा तो कितना हो गया एक, यानी जी एक्स किसके बराबर है, ये तो यानी आइडेंटिटी फंक्शन है, ये मैं बता रहा हूँ इसको इस तरह से भी लिख देते हैं कुछ लोग आई एक्स क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, इसमें जो डालोगे वही भाग निकले कोई मिलावट, ठीक है, अनार डालोगे तो उसमें मौसम का जूस निकल के नहीं पाएगा, अनार दे यार एफ एक्स बराबर ये दो चीजें क्या करना है हमें, फॉग और गॉफ ज्ञात करना, बहुत आसान है, क्या याद करना है पहले फॉग ऑफ एक्स क्या होता है इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स
एफ ऑफ एक्स कितना था ई टू दी पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना था ई टू दी पावर एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स कितना होगा ई टी पावर जी एक्स, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो कितना है ई टी पावर एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह जो भी डालोगे वो ई टी पावर चढ़ जाएगा, और जी एक्स कितना है एक्स, जी एक्स तो हमने निकाल दिया ना, जी एक्स कितना है एक्स ई टू दी पावर एक्स, फॉर्म ऑफ एक्स ई की पावर एक्स होगा। अब क्या निकालेंगे गॉफ, गॉफ ऑफ एक्स का मतलब जी ऑफ एक्स एफ एक्स, क्योंकि जी ऑफ एक्स कितना है एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कितना आएगा भाई, जो यहाँ डाल रहे हो एक्स वही बाहर आ रहा है, तो अगर यहाँ पे एफ एक्स डालोगे फंक्शन क्या निकाल के देगा, बात समझ में आ गई, और एफ एक्स का मान कितना है यानी कि फ्रॉग जो है वो इक्वल है फ्रॉग के, और दोनों ही इक्वल है किसके, ठीक। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनवर्स टाइप के क्वेश्चन पर, ये देखो इसमें बच्चे बहुत घबराते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या, तो बस क्वेश्चन नंबर देख लो, मतलब खाली क्वेश्चन देख लो नंबर छोड़ो। क्वेश्चन है एफ एक फंक्शन है आर से आर में, जी एक फंक्शन है आर से आर में, एफ एक फंक्शन है आर से आर में, जी एक फंक्शन है आर से आर में, और एच एक फंक्शन है आर से आर में, तीन फंक्शन हमें दे रखे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और जी एक्स बराबर टेन एक्स। आदित्य रात फेसबुक ज्यादा देख ली क्या, फिर कैसे नींद आ रही है, एच एक्स बराबर ठीक है, क्या निकालना है हमें, हो गॉफ ये निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो ये हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, एच ऑफ गॉफ ऑफ एक्स यानी एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, आप ये देखो ना जी ऑफ एफ एक्स, क्योंकि जी एक्स जो है हमारे पास कितना है टेन एक्स, तो ये कितना आ जाएगा tan of fx, अरे बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, और fx कितना है, fx है कितना tan of x स्क्वायर आ गया, h of tan x स्क्वायर का मतलब h of log tan x स्क्वायर, ये तो मतलब हुआ, अरे ठीक है कोई समस्या तो नहीं, और h of log x कितना है log x, तो ये कितना जाएगा log tan x, ये 2 उधर के नीचे आएगा क्या, ये जो 2 है ये उधर के नीचे आएगा इनटू में, जैसे यहाँ आ गया था, कहाँ आया था ये e की पावर x, कहाँ गया ऊपर, हाँ ये e की पावर x का x नीचे आया था, तो ये 2 भी आएगा क्या यहाँ पर, क्योंकि वो 10 के पूरे पर नहीं है, कुछ बच्चे कर देते हैं एग्जाम में ऐसा, इसलिए कहा हमने, अगर ये होता है टेन एक्स होल स्क्वायर या टेन स्क्वायर एक्स, तो इन दोनों केस में आता नहीं, और एक्स पे लगा है तो नीचे। अब इसने हमसे ही कहा है कि भाई चलो ये निकाल दो, अब आपको सिद्ध करना है, यहीं पर आगे हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए इस सवाल को, उसने आगे बढ़ा दिया है, मैं इस सवाल के मैंने दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट तो ये सॉल्व हो गया कि भाई ये निकाल दो हो गॉफ एक्स, ठीक है, दूसरा पार्ट मैंने कहा सिद्ध कीजिए कि हो गॉफ एक्स बराबर जीरो यदि एक्स बराबर रूट पाई बाई, सवाल को थोड़ा सामने और आ गया, हो सकता है ये यहीं पर जुड़ के आ जाए, ठीक है, यानी हो ऑफ एक्स निकालने के बाद आपको सिद्ध करना है, ठीक, ये अगला क्वेश्चन हो गया इसी में जुड़ा हुआ,
कि x बराबर रूट पाई बाई टू पर ये ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूँ कि जहाँ हो गॉफ x जो है वो है log। क्वेश्चन तो क्वेश्चन में से निकलता है, निकाल दिया हमने क्वेश्चन। चलो निकालते हैं तो गॉफ ऑफ x ठीक है बराबर कितना होगा, सुनो x जो है क्या लिखते हैं रूट पाई बाई टू, तो ये आ जाएगा लॉग टेन रूट पाई बाई टू का लॉग टेन पाई बाई फोर कितना होता है, लॉग टेन पाई बाई फोर वन, और लॉग वन किसी भी बेस पे कितना होता है जीरो। यस ठीक है ठीक है। और तो लिखना था कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाकी तो एनसीईआरटी वाले ही हैं, वो हम करा चुके हैं। और तो पुराने लायक नहीं है, आप खुद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर इनवर्स में और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन बढ़िया से। लो ये दसवां देखो, ये कह रहा है छोटा सवाल लेते हैं क्योंकि छोटी सी जगह है हमारे पास। कॉट इनवर्स 4/3 बराबर एक्स, कॉट इनवर्स 4/3 बराबर एक्स, तो हमें मान निकालना है कॉस 2x। ठीक है क्या दिया है, कॉट इनवर्स 4/3 बराबर है एक्स है, ऐसा करते हैं हम दोनों तरफ और ये क्यों और ये क्या बन गया 4/3 बराबर cot x। यहाँ से अब तो 11 में आ गए हो, हाँ 12 में हो, 3/4 से ठीक है तो लिख सकते हैं 10 सारे 3/4 को समझ सकते हैं। और ये फार्मूला दो कितने दिन से बता रहे हैं, cos 4 5 cos 2 1 क्या 1 शायद 11 से जब से पढ़ा रहे हैं एक आध बार ये फार्मूला बोर्ड पर हम लिख ही देते हैं जी। ठीक है तो मान रख दो बोर्ड में कोई भी चीज ऐसी नहीं आएगी जो आपकी पढ़ी हुई नहीं है और इस बोर्ड पर कराई नहीं गई, बस आपसे आशा इतनी है कि जितना यहाँ कराया जा रहा है उतना आप जो है अपनी कॉपी में करके दिमाग में उतार लीजिए, उसके लिए अपने आपको समय दीजिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना यहाँ कराते हैं हम, उसके लिए घर पर 3 घंटे 2 घंटे करने पड़ेंगे आप कोई मान के चलो। 9/16/1 + 9/16 से बड़ा तो पूरी क्वेश्चन को ऊपर नीचे अंचल 16 - 9/16 + 9 16 + 9 = 25।